वेलकम बैक राधे राधे आप सभी को और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो अभी बज रहा है सुबह का 11 और मेरी किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, मैं दिखाना नहीं चाह रही हूँ। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये देखिए, मैंने पूरी किचन दिखा दी है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ राजमा, जो मेरा बॉइल्ड हो चुका है और मैंने इधर छौंक भी, मतलब लगभग मेरा बन गया, बस पकना रह रहा है। प्याज वगैरह सब खो चुकी है, पेस्ट बनाकर ही कर रही हूँ, टमाटर का भी प्याज का भी। और एक मिनट अब गाने चले हुए हैं, वो मैं थोड़ा सा कर, तो इधर चले हुए थे थोड़े गाने वाने, तब से करके आई हूँ बंद। और इधर फिर 2 दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, 16-17 मैंने कोई व्लॉग नहीं किया है। और आज है 18 तारीख, आज मैं सुबह के टाइम अपना फ़ोन उठाया है 11 बजे व्लॉग के लिए। बेटी कल गई हुई थी अपने पापा के साथ तो, और वो रात लेट नाइट आए हैं, और हस्बैंड तो मेरे फिर सुबह में ही कहीं चले गए हैं। और यहाँ पर मतलब अभी सुबह के काम, वैसे तो सफाई तो हो चुकी है, रूटीन की जो सफाई है, उधर जो ये आपको फलारा दिख रहा है ना, उसमें बेटी के कपड़े हैं अलमारी में, जो गोदरेज की अलमारी है उसमें इधर रखे हुए हैं कुछ, वैसे तो उधर रखती है वो अपने रूम में। तो इसमें मैं कह रही हूँ जो मोटे कपड़े हैं उसको हटा दे, अब क्योंकि इतनी ज़रूरत है नहीं। और इधर ये देखिए, ये है बेटा, इससे मैंने करवाई है अभी डस्टिंग। थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब है, जो आपको शायद देख करके भी लग रहा होगा। मैंने सोचा आप लोग बोलो कि भाई ऐसे मुँह बना करके बातें कर रही है, तो मैं पहले ही बता दूँ मुँह नहीं बन रहा है, थोड़ा मूड ख़राब है बस इसीलिए। और सही बताऊँ मूड ख़राब है, इसीलिए मैंने फटाफट फ़ोन उठा लिया है कि मैं व्लॉग कर लेती हूँ, वरना पता है मुझे ना एकदम स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ही अजीब सा हो जाता है। स्ट्रेस का तो उसे नाम दे दिया गया है, अगर मुझे मेरा मूड ख़राब है ना, पता नहीं मैं बहुत उल्टा सीधा, पता नहीं ऐसी इनिगेटिविटी ये सभी आती है माइंड में। तो मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि इससे माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, मेरा व्लॉग भी बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट से अपना किचन का काम जो है वो कर लेती हूँ। इधर सारे के सारे बर्तन कुछ वो रात के रखे हुए थे, ये सब अब के हैं, ये हो चुके हैं साफ, सब क्लीन है। राजमा मेरा बन चुका है, गैस भी मेरी क्लीन है, बाकी सब भी क्लीन है। और ये कपड़े चमक रहे हैं, ये जो रैक है मुझे इनसे रोकनी पड़ती है, मैं क्या ही करूं, छोड़ो कुछ नहीं। तो इस तरीके से बस अभी मैं रख रही हूँ चावल बनने के लिए, 12 बजने वाले हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और बाकी सब कुछ साफ सूफ है, हाँ मैंने मशीन अपन यहाँ रखी है क्योंकि ये मिरर है ना इस पर, तो मैंने चादर डाल के रख दी है फोल्ड करके, काफ़ी सारी लेयर्स हैं। तो सोचिए थोड़ा बहुत जो काम है कुछ है, मतलब थोड़ा बहुत वो कर लूँगी, बाकी इधर सब क्लीन है। और यहाँ पर ये मेरी जो चिल्लर है ना, मतलब ये मैं इनको लाड़ प्यार में कहती हूँ चिल्लर विल्लर। देखो मेरे आने से पहले उसकी वॉल्यूम कर दी है बंद, गाने चला करके बैठे हैं। दोनों को दिया है अनार खाने के लिए, रोशनी बाहर से काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मैंने पूजा घर की भी लाइट बंद कर दी है, अभी नेचुरल रोशनी छोड़ दी है मैंने। तो बस यही सब हो रहा है, अभी मैं चावल बनने रख देती हूँ। और देखिए मैंने अपने पौधे फिर से इस साइड ही लगा दिए हैं ये, और पौधे देखो कितने से बचे हैं, 3 तो गमले मेरे ख़राब कर दिए बंदरों ने, और इनमें भी इनकी कटाई छटाई की है ना, देखिए तुलसा जी हैं सब सूख चुकी हैं, पौधे मतलब बहुत ज़्यादा सूखे हैं, बहुत ही ज़्यादा, वरना कितने हरे भरे थे मेरे पौधे। ये देखो आ तो जाएंगे इस पर, लेकिन एक भी पत्ता नहीं है फिलहाल। ये वाला देखो सारा झड़ गया है, ये वाले अब देखो होते हैं यानी पिछली बार उनमें भी, मतलब हैं तो सब में थोड़े थोड़े आने तो लगे हैं, बट पता नहीं कैसे होंगे, देखते हैं। और धूप आज है तो हल्की सी, लेकिन तेज बहुत है। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर का, 1 बजने वाला है,
और थोड़ा सा अजीब सी आ रही है वीडियो, तो सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तबीयत बड़ी ढीली सी महसूस हो रही है, तो मैं सोची थोड़ी देर लेटने की। काम तो सारा निमट गया है, थोड़ा मार्केट का काम है, बेटी को कुछ सामान दिलाना है तो जाना है, बट अभी सोची थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर चलते हैं मार्केट। सुना आप लोगों ने कितना स्मूथ, कितना भावपूर्ण भजन चल रहा है। अभी शाम का समय हो रहा है, 6:37 हो रहे हैं, और मैं गई थी अभी अपने मार्केट, मैंने बोला था ना पास में कि थोड़ा सा काम है, तो मैं वहाँ गई थी और कुछ सामान लाना था जो मैं लेकर के आ गई हूँ। और अभी देखिए मैं यहाँ पर कुछ अपने सामान को छटनी कर रही हूँ, मतलब पूरी ड्रॉर मैंने इधर खोली हुई है, तो मैं जो बेकार हो रहा है सामान वो निकाल रही हूँ। और उस चक्कर में ना ये मुझे मिला, तो मैं ये लगा करके देखा है। मैं कभी भी पूरी पे लाइनर नहीं लगाती हूँ, साइड में लगाती हूँ। मैंने लगा तो लिया, बहुत ही अजीब सी आँख से लग रही है खुद को, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा लगाना। और कुछ टाइम से तो मैं बिल्कुल ही नहीं लगा रही हूँ, साल सवा साल डेढ़ साल तो हो ही गया होगा, तो एक साल तो हो ही गया पक्का। और ये देखो पता नहीं आजकल कैसा सिंदूर आ रहा है मेरे यहाँ से, ना खुजली बहुत आती है और बाल उड़ गए मेरे। अब इनको ऐसे करूँगी, और ये ना स्टिक वाला लिक्विड वाला सिंदूर लगा रही थी मैं बहुत टाइम से, सूखे से तो पहले हो गया था, अब फिर मैंने अब ये स्टिक वाला लगाया है आज, तो देखती हूँ कुछ अंतर पड़ता है क्या। तो मतलब ये पागलपन ही दिख रही है, इधर मेरा बेटा बैठा हुआ, वो भी कुछ ना कुछ अजीब अजीब हरकतें मेरे सामान के साथ करता ही रहता है। बेटी उधर है पता नहीं क्या कर रही है। तो पूजा मैंने कर ली है, अपना वो जो भी मैं फलारा फैलाया हुआ था सब समेट दिया है, और अभी पूजा का टाइम हो ही रहा था। टाइम मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अभी तो 7 बज चुके हैं, तो मैंने पूजा कर ली है अपनी। व्लॉग शायद छोटा ही बना होगा, बट मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई मेरा पुराना व्लॉग नहीं है बना हुआ। क्योंकि अगर मैंने अभी इसको यहाँ पर एंड करके फिर एडिट वगैरह भी करना है, फिर अपलोड भी करना है, अगर आज मैंने ये नहीं किया तो फिर मेरा आज कोई वीडियो नहीं जाएगा और मेरा फिर इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा। तो मतलब जो मेरी रीच है इम्प्रेशन वाइटी स्टूडियो में, कभी आप लोग सोचो हमारे सामने, मतलब आप लोगों के सामने मैं अपने इम्प्रेशन की बात कर रही हूँ, नहीं मैं उसकी नहीं कर रही हूँ। हाँ ये भी है कि एक कनेक्टिविटी जो है ना वो थोड़ी सी टूट जाती है अगर 2 दिन भी व्लॉग ना जाए, और ऐसा अभी अभी मैं 2-3 बार हो चुका है कि मैं कुछ कारणों की वजह से ना व्लॉग बीच में मतलब गैप हो जाता है 1-2 दिन, ऐसा हो रहा है फिर से मेरे साथ। मैं सोच रही हूँ इससे ऐसा ना हो, कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों होता है। तो चलिए आप लोग भी धूप ले लीजिए, और यहीं पर व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ, मैं आगे कुछ नहीं शेयर करूँगी। तो जितना भी है आप लोगों को आई होप पसंद आ ही रहे हैं मेरे व्लॉग, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर ही दोगे आप, और अगर किसी की इच्छा नहीं है तो भी मेरी रिक्वेस्ट पर प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।